क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। क्या घटना हुई है आपके साथ में? हम हमारे पति अपने खेत पर देख रेख के लिए गए थे, तब वहाँ पर पत्रिक जमीन है हमारी दहेली सुजानपुर के, हम लोग रहने वाले हैं। वहाँ भूमा पिया के पहुँच गए राजेंद्र तिवारी, आशीष सिंगर, विनय कुमार, और कहने लगे कि ये जमीन हमारे पति, हम रोकने लगे तो कहते हैं कि ये जमीन तुम्हारी नहीं है, ये जमीन मेरी है, यहाँ मत आना। और हमारे पति को मारने लगे, तो हमने बीच बिचाव करने लगे, तो हमारे साथ भी अभद्रता करने लगे, हमारे कपड़े लत्ते भी फाड़ दिए, और कहते तो अगर ज़्यादा तुम करो बोलोगी तो तुम्हारे पति को यहीं मार देंगे और तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो हम चौके गए, चौके में भी हमारी सुनवाई नहीं कोई हुई, और उनके चकेरी थाना कोयला नगर चौकी, उनके साथ 3 महिलाएं थी और अज्ञात में 10-11 लोग उनके साथ थे। राजेंद्र तिवारी कहते हैं कि हम तुम्हारे पति को तो मार ही डालेंगे, हमारी चौकी में भी सुनवाई नहीं कोई हुई। और हम लोग 7 बजे पुलिस को आपने प्रार्थना पत्र दिया था? प्रार्थना पत्र नहीं, कहते अपने कागज ले आओ। हम लोग कागज लेके पहुंचे तो कहते ये कागज बेकार है तुम्हारे, दूसरी पार्टी के कागज देखते रहे और हमको बैठालते रहे। बाद में कहते हैं कि यहाँ दस्तखत कर दो कि आज के बाद हम जमीन पर कभी नहीं जाएंगे और ये जमीन हमारी नहीं। तो हमने कहा हम दस्तखत नहीं करेंगे, हमारी कोई सुनवाई नहीं, ना चौकी थाने में कहीं नहीं होती है, हम लोग गरीब आदमी हैं। तो क्या पुलिस आप पे दबाव बना रही थी कि आप जमीन पे समझौता कर लीजिए, वापस न जाइए? कह रही थी दस्तखत कर दो आज के बाद हम जमीन पर कभी नहीं जाएंगे। तो हमने दस्तखत, हम कहा जमीन मेरी है, हम क्यों नहीं जाएंगे, हमारे ससुर की है, हमारे पात्रिक जमीन है। क्या नाम है आपका? आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हो, क्या घटना हुई है आपके साथ? हमारे खेत में कुछ लोग राजेंद्र तिवारी, आशीष सेंगर, विनय कुमार, इनको तीन को तो हम जानते हैं, बाकी लोगों को जानते नहीं। ये लोग जमीन में 3 महिलाएं थी और 10-11 लोग अज्ञात थे जिनको हम नहीं जानते हैं। ये लोग जबरदस्ती वहाँ नाप जोक कर रहे थे, कब्जा कर रहे थे। जब इनको मना किया तो ये लोग हमसे अभद्रता की, मारने की कोशिश की, बोले यहाँ से भाग जाओ साले, तुम्हारी जमीन नहीं है। नेकपाल ने ऐसी रिपोर्ट लगाई कि तुम्हारे खाते में जमीन है नहीं है। और उसके बाद जब हम भागने लगे तो हमारी वाइफ साथ में थी, इन लोगों ने उनके साथ अभद्रता की, तो हम लोगों ने पीछे हट गए। उसके बाद जब हमने अल्लाह बुल्ला सुना तो हमारे अगल बगल के कुछ लोग रात होते आवाज़ हमारी, क्या बात है? तो हमने कहा भैया इसी इसी बात है। तब उनमें तीनों महिलाओं में से एक महिला ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, जिसमें 420 नंबर की एक गाड़ी गई, हम लोगों को कोयला नगर चौकी में उठा के ले गई। वहाँ पे हमने बोले तुम जमीन तुम्हारी नहीं है, चौकी इंचार्ज साहब बोले कि जमीन तुम्हारी नहीं, तुम जमीन पर मत जाना, ये नेकपाल जी की रिपोर्ट लगी है, अजय कुशवाहा की, तुमने खाते से अधिक जमीन बेच डाली। हमने कहा साहब हमने नहीं बेची है। बोले उस जमीन पर तुम नहीं जाना, तुम्हारी कोई भी जमीन नहीं, तुमने खाते से अधिक जमीन बेच डाली है। फिर हमको वहाँ 2 बजे से लेके 7 बजे तक बैठा रखा और हमारी कोई सुनवाई नहीं। वो लोग 10-12 लोग थे, उनके साथ वकील भी थे कुछ, जिनको हम जानते नहीं, और इन लोगों ने इतना दबाव बनाया कि वहाँ भी हमारे साथ काफ़ी भद्रता की चौकी के भी सामने। और एक महिला ने कहा कि चौकी इंचार्ज से कि 24 घंटे का इनका समय दे रहा है, अगर ये पेपर लेकर नहीं आते हो तो ये वहाँ ज़मीन पर दिखाई न पड़े, नहीं समझ लो बहुत बुरा होगा। पुलिस को आपने अपने कागज दिखाए? अपने दिखाए, लेकिन हमारी कोई भी कागज नहीं देखे। आपका कहना है कि आपके साथ अभद्रता हुई, तो इसकी शिकायत आपने पुलिस से की, पुलिस ने सुनवाई नहीं सुनी? नहीं, उन्हीं लोगों की सुनते रहे। कौन पेपर तक नहीं देखे? कौन सा थाना है आपका? चकेरी थाना है, कोयला नगर चौकी है।